दोस्तों, इस पर हम बात करेंगे परपेक्चुअल प्रोटोकॉल के PERP कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, अपडेटेड लेवल्स और आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। करेंटली कॉइन 1.15 USDT पर ट्रेड कर रहा है। अभी इस कॉइन ने 1.34 वाला लेवल ट्राई किया और लगातार ब्रेकआउट, लगातार मूवमेंट इसके प्राइस में देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 दिनों में इस कॉइन ने 300% से ज़्यादा का मूव लिया है और एक अच्छे खासे लेवल को मेंटेन भी किया हुआ। प्रीवियसली हमने आपको ऑलरेडी वीडियो शेयर करके टारगेट्स वगैरह शेयर किए, अपडेटेड लेवल शेयर किए और जो टारगेट, जो सिनारियोज हमने बताए थे उसको फॉलो करते हुए हमारे टारगेट्स अचीव हुए हैं और हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट इस कॉइन के थ्रू जनरेट किया है। अभी भी आपने अगर इस कॉइन को होल्ड किया हुआ है तो आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। इस कॉइन के नेक्स्ट टारगेट क्या रहेंगे, अभी क्या सिनारियोज बन रहे हैं, टेक्निकली क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, ओवरऑल इस कॉइन के नेक्स्ट टारगेट क्या रहेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो भी नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं और जो फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटजी शेयर की जा सके, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वारीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपने क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर अभी इस कॉइन ने 1.34 USDT वाला लेवल ट्राई किया। डेली का चार्ट ओपन करें तो पिछले 3-4 दिनों से हमें लगातार ब्रेकआउट देखने को मिला, जहाँ पर 0.40 वाले लेवल से इस कॉइन ने डेली के अंदर अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्लोज की और 0.40 वाले लेवल से 1.34 वाला लेवल अभी ट्राई किया है और अभी भी एक अच्छे लेवल को मेंटेन किया हुआ है। एक अच्छे खासे लोवेस्ट एरिया पर इस कॉइन की प्राइस चली गई थी, वहाँ से क्विक रिकवरी इस कॉइन में देखने को मिली है। ये एक DeFi प्रोटोकॉल कॉइन है और प्रीवियसली भी हमने इस कॉइन में अच्छा खासा प्रॉफिट लिया है और वापस अच्छे खासे लेवल पर हमने इस कॉइन में एंट्री लेकर के हमने जो टारगेट आपको बताए थे शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, वो ऑलरेडी इस कॉइन हिट किया और उससे ऊपर ट्रेड भी कर रहा है। हमने आपको प्रीवियस वीडियो शेयर किया था जिसमें 0.92-0.96 ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से टारगेट बताए थे, जिनको इस कॉइन ने ऑलरेडी हिट किया है और आपने प्रॉफिट जनरेट किया होगा। सेकंड शॉर्ट टर्म में हमने आपको बताया था कि अगर आप अभी आने वाले टाइम फ्रेम में, यानी कि ये जो वीक है, अभी जिस वीक की वीकली क्लोजिंग होनी है, ये इस कॉइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर इस वीक में ये कॉइन 0.80 से ऊपर क्लोज करता है तो हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। सेकंड, इस वीक में अगर ये 1.1 तक चाहता है, 1.1 तक जाने के चांसेस हैं और 1.4 इसके लिए एक अच्छा खासा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वीकली के अंदर। तो ये तीन सिनारियोज अभी तक बन रहे थे। 1.4 USDT वाला जो लेवल है वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है वीकली के अंदर, जिस लेवल से इस कॉइन को प्रीवियसली भी हमने रिजेक्शन देखा था, 1.3-1.4 वाला लेवल। 1.1 वाला जो लेवल है वो भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है वीकली के अंदर। तो 1.1 से लेकर 1.3 तक हमें आने वाले टाइम फ्रेम में इसकी प्राइस नेक्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी, उससे पहले भी देखने को मिल सकती है। और वही चीज़ें हमें देखा यहाँ पर, 1.34 वाला लेवल ऑलरेडी इस कॉइन ने हिट किया है और अभी भी एक अच्छे लेवल को मेंटेन किया हुआ है। शॉर्ट टर्म में हमने आपको बताया था कि 1 USDT पर आपको कुछ पार्ट सेल आउट करना है, 1.1 USDT पर, बाकी जो पार्ट आप 50% पार्ट बचाएंगे 1.1 USDT से ऊपर सेल करेंगे शॉर्ट टर्म में। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, जो जिन्होंने लॉन्ग टर्म में एंट्री ली है इस कॉइन के अंदर और 0.4550 का राउंड बाय किया है, 1.3 USDT वाला लेवल हमने आपको बताया था कि 1.3 USDT के राउंड में आपको अपने 20-25% पार्ट की सेल लिमिट लगा के रखनी है ताकि यहाँ से ये कॉइन मूव करेगा और आपका जो कुछ पार्ट है उसके आप प्रॉफिट बुक करके वापस जब प्राइस नीचे ड्रॉप होगी वहाँ पर आप वापस बाय कर लेंगे। तो यहाँ पर वीकली में देखें तो ये जो लेवल से, तीन लेवल से, यहाँ पर इस लेवल से हमने प्रीवियसली रिजेक्शन देखा था, ये हम पिछले साल के अगस्त मंथ की बात कर रहे हैं। उसके बाद वापस प्राइस में ड्रॉप देखने को मिला, हमने नवंबर दिसंबर में लोवेस्ट एरिया देखा जहाँ पर 0.30 तक इस कॉइन की प्राइस आ गई थी, उसके बाद से वापस रिकवरी देखने को मिली और मार्च मंथ के अंदर हमने वापस 1.3-1.35 वाला लेवल ट्राई किया था और उसके बाद वापस ड्रॉप देखने को मिला, प्राइस वापस 0.40 पर इस कॉइन की आ गई थी। और अभी अगर बात करें तो वीकली के अंदर वापस इस कॉइन ने 1.3 से ऊपर वाले लेवल को ट्राई किया है। तो यहाँ पर कल वीकली क्लोजिंग होनी है,
अगर ये कॉइन 1.1 से ऊपर या फिर 0.80 से ऊपर भी वीकली क्लोजिंग करता है तो आने वाले टाइम फ्रेम, क्योंकि ये वाला जो लेवल है यहाँ पर अगर देखें तो इस लेवल से नीचे ये पिछले ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 15 मंथ से इस कॉइन इस लेवल से नीचे ही ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। हर बार यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, कहीं ना कहीं मार्केट में इस टाइप की सिचुएशन बनी, मार्केट में डंप देखने को मिला, जो भी चीज़ें हैं हर बार यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला। लेकिन अभी ये कॉइन अच्छा मूव कर रहा है और चांसेस है कि यहाँ से ये कॉइन वीकली के अंदर इन लेवल से ऊपर 1.1 या 80 से ऊपर क्लोज करता है तो हो सकता है कि ये वापस 1.3 को ट्राई करें नेक्स्ट वीक में, और जो लेवल प्रीवियस 2-3 बार से इस कॉइन ने ट्राई किया उसको ब्रेक करके नए लेवल्स ट्राई करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी तो ये लेवल ब्रेक होंगे। और जिसे हम रेजिस्टेंस एरिया अगर या सपोर्ट एरिया की बात करें तो रेजिस्टेंस एरिया में जब 2-3 बार हिट होता है तो उस एरिया के ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन वॉल्यूम होना चाहिए, साथ के साथ में मार्केट के अंदर भी अच्छा मूवमेंट होना चाहिए। हालांकि अभी BTC स्टेबल है तो चांसेस है कि ब्रेक नहीं भी करे, तो हम जो प्रॉपर लेवल है उस पर हम ऑलरेडी एग्जिट हो गए हैं। अगर आप एग्जिट नहीं हुए हैं तो आपको यहाँ पर वापस से कॉइन यहाँ से मूव करेगा, 1.34 को ट्राई किया है और हार्डली रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है 1.2 और 1.3। यहाँ पर आपको 70-30 के रेशियो में जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वाले हैं उनको एग्जिट होना है 1.2 और 1.3 वाले लेवल पर। अगर आपने अभी इस कॉइन को 1 USD या उससे पहले बाय कर लिया है, किसी भी लेवल पर बाय किया है, आपको इन लेवल पर एग्जिट होना है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्टेड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, प्राइस में ड्रॉप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आपको एग्जिट होना है। सेकंड, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनको 1.3 पर ही अपने 100% पार्ट से एग्जिट हो जाना। आप अगर बचाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत पार्ट के रिस्क लेना चाहते हैं शॉर्ट टर्म वाले, तो 80% पार्ट 1.3 पर और बाकी 20% पार्ट के लिए 1.4 से लेके 1.45 वाले लेवल का आप टारगेट रख सकते हैं। प्राइस जाती है, अच्छी बात है, अगर रिजेक्ट होता है वीकली में रिजेक्ट होता है, डेली के अंदर रिजेक्ट होता है, तो हम नीचे वाले लेवल पर भी सेल कर देंगे, हमारे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपकी बाइंग 0.70 0.80 से नीचे की है, 80 से ऊपर की है तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। जैसा मैंने आपको लॉन्ग टर्म में बताया था, आई होप आपने 1.3 वाले लेवल पर अपने कुछ पार्ट को सेल किया होगा, नहीं किया है वापस प्राइस जाएगी 1.3 वाले लेवल पर, वहाँ पर सेल करना है। एंट्री जिन लोगों ने नहीं ली है, बाई नहीं किया था, अभी बाय नहीं करना है, बाइंग लेवल रहेगा तब हम आपको एंट्री शेयर करेंगे। इसके अलावा जो भी नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं और जो फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें, वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटजी शेयर की जाएगी, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।